तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेमपे में अगर आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, अगर आप किसी को भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, यू हैव बीन टेम्परेरली ब्लॉक्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं एंड किसी को भी आसानी से ट्रांजैक्शन पेमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है तो क्यों देखने के लिए मिल रही है? अब ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को इसलिए देखने के लिए मिलती है कि काफ़ी सारे लोग बार बार क्या करते हैं कि लॉग इन लॉग आउट अपने अकाउंट को कर देते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अब काफ़ी सारे लोग और क्या करते हैं कि वो दूसरे मोबाइल में लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो उनको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। अब आप अपने मोबाइल में लॉग इन कर रहे हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड के मोबाइल में या फिर अपने ही किसी दूसरे मोबाइल में बार बार लॉग इन लॉग आउट कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपका जो ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, टेम्परेली ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं ताकि आप आसानी से ट्रांजेक्शन कर पाएँ? तो यहाँ पे मैं बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने फेमपे अकाउंट को जो मोबाइल में लॉगिन है पहले से ही उससे क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। अब चाहे आपके दूसरे मोबाइल में लॉगिन हो या फिर आपके ही मोबाइल में फेमपे अकाउंट लॉगिन हो, आपको दोनों में से फेमपे अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। जैसे आप फेमपे अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फेमपे अकाउंट को आपको कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा या फिर 24 घंटे तक लॉगिन नहीं करना है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, ब्लॉक्ड हो जाता है आपका अकाउंट, तो आपको कम से कम एक दिन तक तो अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है। आपको जहां से लॉगिन है पहले से ही ऑलरेडी, आपको वहां से लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहां पे आपको सर्च कर देना है फेमपे कस्टमर केयर। तो आपको फेमपे कस्टमर केयर सर्च कर देना है एंड यहां पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देना है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे आपको कॉल अस ऐड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा और नीचे आप देखेंगे तो एक ईमेल सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप ईमेल करना चाहते हैं फेमपे को तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से नंबर नोट करेंगे या फिर आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली डायल पैड में ओपन हो जाएंगे एंड वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फेमपे कस्टमर केयर के पास सबसे पहले कॉल लगानी है। कॉल लगाने के बाद आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करनी है, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उनका आपको जवाब देना है एंड आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगी कुछ देर बाद। अब जैसे ही आप कस्टमर केयर के पास कॉल करेंगे तो वो रिपोर्ट दर्ज करेंगे, उसके बाद आपकी जो अकाउंट की जो प्रॉब्लम है उसको चेक किया जाएगा एंड उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स करी जाएगी। और आपको फिर क्या करना है, कम से कम 24 घंटे तक अपना जो अकाउंट है वो लॉग आउट रखना है, उसके बाद आपको लॉग इन करना है और एक बार अपने मोबाइल को क्या करना है, रिस्टार्ट कर लेना है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल की जो पावर बटन है उसको दबा के रखना है। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा या फिर रिबूट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर दीजिए। हार्ड रीसेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप रीसेट कर देते हैं अपने मोबाइल को यहाँ से ही तो आपका काम हो जाएगा एंड आपको लॉग आउट करके रखना है कम से कम 24 घंटे तक, एक दिन तक आपको लॉग आउट करके रखना है। उसके बाद आपको कस्टमर केयर से बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है और अगर ये प्रॉब्लम फिक्स आप तो नहीं कर पाएंगे, कस्टमर केयर ही ये प्रॉब्लम फिक्स कर पाएगा। अगर कोई भी अगर बताता है आपको कि हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे तो आप जो है वो इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो जो ये जो प्रॉब्लम है वो कस्टमर केयर वाले ही फिक्स करेंगे। आपका जो अकाउंट है वो टेम्परेली ब्लॉक्ड कर दिया गया है सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से, तो आपका जो ये जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ कस्टमर केयर वाले ही कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ कस्टमर केयर के पास कॉल लगानी है और अपनी प्रॉब्लम जो है उनको बतानी है एंड वो रिपोर्ट करेंगे, आपके अकाउंट को चेक करेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और तब तक जो मैंने आपको बताया है उसको आपको सही से फॉलो करना है एंड अगर आपने अपना फेमपे अकाउंट जो है सॉरी आपने अपना जो फेमपे एप्लीकेशन है उसको अपडेट नहीं किया है तो एक बार अपने फेमपे एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।